अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शेख मुख्तार, आपका विदर्भ सेटअप यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम हमारे मंदकनली गांव को आए हैं, जो निखिल भाई का बहुत ही खूबसूरत छोटा सा फार्म है, जो अच्छी अच्छी ब्रीड के उनके पास पिजियंस यानी कबूतर है। ये है, आपको पड़ता है विदर्भ से तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर के दरमियान में, जो कमठाने से 2 किलोमीटर है। एक गाँव का नाम है मंदकनली। आज और हम जानेंगे कि निखिल भाई के पास कौन सी ब्रीड है, और इसीलिए विज़िट करने के लिए मैं और हमारे ख़ास दोस्त एमडी अमजद भाई और सोनिक भगवत भाई और मोहम्मद आमिर, तीनों आज इनके फार्म पे विज़िट करे हैं। मालूम करेंगे कि उनके पास कौन सी ब्रीड है। सुना है चौपाला है और चाक तमरल बोल के एक है, मक्सी जोड़ा बोल के एक है, रेड डार जोड़ा बोल के एक है। ये क्या है, बेंगलुरु की बहुत ही बढ़िया ब्रीड कहलाती है। और दोस्तों, उनके पास वो छोड़ के रामपुरी और सहारनपुरी और सियालकोटी, अम्बाल शेरे और टेडी वगैरह, उनका बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रीड के कबूतर है। और देखेंगे दोस्तों, उनसे जानेंगे कि उसके डिटेल दरियाफ्त करेंगे। और नमस्ते निखिल भाई, कैसे हो? आराम है भैया, बढ़िया आराम जी। और माशाल्लाह आपका बहुत ही प्यारा छोटा सा सेटअप है। और हमारे भगवत भाई और अमजद भाई बता रहे थे कि आपकी के पास बहुत ही ख़ास पेड़ है, जो बेंगलुरु से आप लाए हैं, और हम चाहते हैं कि वो आप हमारे व्यूअर्स को हमारे चैनल के द्वारा उनकी खसूसियात यानी उनके अच्छा क्वालिटी, उनकी ब्रीडिंग के बारे में, उनकी उड़ान के बारे में थोड़ा तफसील से बताएँ। और आपका शौक़ ये कब से पड़ा निखिल भाई? एक 10 साल का था जब से शौकीन में है, जब एक पाँच साल के पीछे नॉर्मल पे पाल के अभी शौकीन में थोड़ा बहुत हमारे को भागवत भैया बताए जी, जो ब्रीड के बारे में, उड़ान के बारे जी। में माशाल्लाह आपकी एज भी बहुत छोटी दिख रही है, और 10 साल से कबूतर रख रहे हो, तो बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों देखिए, लोग ये उम्र में गुटखे सिगरेट वगैरह ये वो शौकों में पड़ते हैं, ये देखिए, यानी उससे बचने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। जो परिंदों का शौक़ रहता है, जो बर्ड्स लवर रहते हैं, जो परिंदों को चाहने वाले रहते हैं, उनको क्या है, खाली समय में दिमाग इधर उधर होने के बजाय परिंदों को टाइम निकालते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और सोनिक भाई, आप बेंगलुरु से जब ये पेड़ लाए, कितने दिनों आपके पास लेके आ गए? लेके आके एक 2 दिन हो गए भैया, 2-5 दिन, मतलब 3-4 दिन हो गए बेंगलुरु के। हाँ, यानी ये बेंगलुरु की ब्रीड सिर्फ 2-4 दिन हुआ आपके पास आके। इससे पहले आपका कौन सी ब्रीड थी? मतलब गिरेबाजी से कबूतर, पूरे गिरेबाज कबूतर थे। कबूतर गिरेबाज कबूतर जी। तो मुझे आप बता सकते हैं कि आपका ये मास्टर केज का साइज कितना है? हांसी मतलब 20 फीट है लेंथ में। ये लेंथ में 20 फीट बता रहे हैं। हाँ, और हाइट में? हाइट में मतलब 5 फीट हाइट है जी। देखिए दोस्तों, इसकी विड्थ तो 20 फीट बता रहे हैं और हाइट 5 फीट बता रहे हैं, यानी बहुत ही छोटा सा और ख़ूबसूरत सा गांव है। उन्होंने बहुत ही अच्छी पैमाने बनाया है, और उन्होंने बोल रहे थे कि वीडियो बनाने से पहले कि उसको थोड़ा सा और बनाने का है, हाइट लेने का है। क्यों बोले तो दोस्तों, देखिए उनका घर का कंस्ट्रक्शन अभी जस्ट चालू हो रहा है, इसीलिए उनको क्या है ये सेटअप समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने छोटा सा बना लिया है। उनका घर का कंस्ट्रक्शन अभी फ्लो चालू है, अब रेडी होने के बाद बड़ा बनाना चाहते हैं। जी सही है। तो आप हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले कौन सी ब्रीड बता रहे हो आप निखिल भाई? बेंगलुरु के ब्रीड बता। हाँ, नाम उसका त्रेबाल का लेके आइए, हमारे व्यूअर्स को उसका व्यू कराइए। देखिए दोस्तों, वो सिर्फ 4 दिन हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हमारे निखिल भाई अंदर गए हैं खींच के, बाहर ले लेके आई निखिल भाई जी। जी निखिल भाई, इसकी एक मिनट निखिल भाई,
इसकी हमें सबसे पहले आप ये बताइए, ये पेड़ आपको बेंगलुरु में किस जगह से लिया और कौन से ब्रीडर्स के पास से लिया आप? कोरमंगला 6 ब्लॉक यूनिवर्सिटी। जी दोस्तों देखिए, कोरमंगला 6 ब्लॉक यूनिवर्सिटी के पास से लिए, और वो ब्रीडर्स भाई का नाम क्या था? सिरुनु भाई के पास से लिए। तो देखिए दोस्तों, बताइए उसका आँख का व्यू बताइए आप पहले, यानी आँख का शौक कराइए। देखिए दोस्तों माशाल्लाह, ये चौपाला बोल के है ना? हाँ, त्रिवाल। देखिए दोस्तों ये त्रिवाल बोल के है, ये बेंगलोर की बहुत ही स्पेशल ब्रीड है। इसकी उड़ान के बारे में कुछ बताइए आप। मैं एग्जैक्ट उनकन 11 घंटा उड़ा के जी ब्रीड सामने बैठ के, वो हमारे को एक 5 साल से पहचाना था भाई जी, जी। उनके साथ हम कभी भी बैठते हैं जी, एनी टाइम बैठते हैं। ऐसी बात करते हो, थोड़ा पर बताइए आप। देखिए दोस्तों, हमारे निखिल भाई 5 साल से उनको फॉलो करते हैं, और उनकी ये कबूतर की उन्होंने उड़ान देखी हुई है। बता रहे हैं कि वो 11 घंटे यानी फ्री फ्लाइंग नॉन स्टॉप ये उड़ा था, और उसकी के बाद उन्होंने उनसे ये क्या है जी। और ये देखिए दोस्तों, कबूतर इतना खूबसूरती से पलटी मारता है, और निखिल भाई ज़रा कैसा वो पलटी मारता है ज़रा वहीं से बताइए आप। देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती से वो पलटी मारा है जी, सही है। और निखिल भाई, और ये आपको नर मादी दोनों पर ब्रीडिंग पर लाए हो? हाँ, ये फीमेल है, अभी मेल अंदर है, अभी मेल बताएगा। हाँ, मेल लेके आइए। और निखिल भाई, आपके फिर बिजनेस क्या है ये छोड़ के शौक? मैं बेकरी का असिस्टेंट काम करेगा, अभी बहुत दिन से बेंगलुरु में रहेगा, मैं 10 साल से बेंगलुरु में है। माशाल्लाह, देखिए दोस्तों, मैं छोटा रहा जब से गया स्कूल, मतलब स्कूल में 10 तक पढ़ा, 10 के बाद हमारा भैया बेंगलुरु लेके गए। जी जी, सही है। देखिए दोस्तों, उन्होंने बेंगलुरु में 10th होने के बाद बेंगलुरु में जाके बहुत ही छोटी उम्र से बेकरी में काम किया है, और ये शौक को भी जिंदा रखा है माशाल्लाह। देखिए दोस्तों, ये देखो इसके बगैर, इसका पेंसिल बगैर, इसकी खड़ा, इसका साइज, इसके चोंच, इसके आंखें, जरा 1 सेकंड एक एक से बताइए, पहले आंख का व्यू लेंगे अपन। जी देखिए दोस्तों, इसका आंख का व्यू देखिए माशाल्लाह। फिर नेक्स्ट उसके पैर बताइए आप, पंजे। देखिए दोस्तों, ये रेड कलर में माशाल्लाह बहुत ही अच्छे जी, और उसके विंग्स वगैरह यानी नए रहने की वजह से फर्क पड़ रहे हैं दोस्तों जी। इधर का, इधर के जी। देखिए दोस्तों, उसकी चोंच और आई बहुत ही वाइट कलर में है, और उसको बहुत ही बारीक कलर का ब्लैक आंख में दिख रहा है। और इसकी उड़ान तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 10 घंटे 11 घंटे फ्लाइंग करा है हमारे निखिल भाई के सामने। तो निखिल भाई, आपको ये पेड़ कितने में पड़ा? मेरे को तो मतलब पहचान में उन्होंने 4 जोड़े मेरे को नाम के वास्ते भेज दिया उन्होंने। जी जी, यानी आप रेट नहीं बताना चाह रहे, और मैं पूछना भी नहीं चाह रहा, ये आपका शौक है वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है निखिल भाई, ये तो बहुत ही अच्छा था, आप नेक्स्ट बताइए। जी जी दोस्तों, देखिए अब नेक्स्ट कबूतर लाए निखिल भाई। जो पहले बताए थे सर, जब शुरू में बताए ना, वही कबूतर है जी। अब मैं फिर से बताने लाया हूँ जी। ये बेंगलुरु में इसको तिरेवाल बोलते सर, तिरेवाल। आप अपने कर्नाटक में इसको चौपाला बोलते, कर्नाटक में चौपाला, चौपाला, और हैदराबाद में दोबाज बोलते। जी जी जी, पॉपर है जी माशाल्लाह। देखिए दोस्तों, उसके पैर के ऊपर भी पर वगैरह हैं अच्छी तरीके से, और इसको ज़रा उड़ा के शोक कराता हूँ जी। हरे 1 सेकंड 1 सेकंड, 1 मिनट और एक बार लीजिए जी भगवत भाई, अब उड़ा के बताइए इसको। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही कुलाटी मारता है छोटे हेड से माशाल्लाह, नीचे कुलाटी मारता है सर, और ऊपर वो तो फ्लाइंग करता है, फ्लाइंग करता है, बहुत ही अच्छा है जी भगवत भाई। नेक्स्ट और कौन सा व्यू करा रहे हो? दूसरा वो मोती वाला लग नहीं, जाक ब्रीड है, ये भी ऐसी है, ये जो जितने भी खासियत के कबूतर हैं ना, बच्चे तो आसमान में ही खुश हैं इसके बच्चे जी, बहुत बढ़िया कबूतर। ऐसे क्रॉस में बताइए ऐसा सर जी, 1 सेकंड। हाँ देखिए दोस्तों, इसके भी आँख की ज़रा देखिए आप, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ,
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ये भी, इसकी आंख वगैरह देखिए। घर छोड़ के जाते हैं ना सर, जहाँ पे बैठा है ना वहीं पे बैठते कबूतर। देखिए दोस्तों, ये जहाँ पे हम उसको बैठने का हैबिट डालेंगे और जब हम उसको उड़ाएंगे रेस यानी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो वो वहीं पे आगे बैठेगा। 5-6 घंटे तो उड़ते ही उड़ते जी बिना कुछ किए। देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि 5-6 घंटे ये कंपलसरी उड़ेगा ही उड़ेगा कबूतर। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये और यू बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। छोटा सा सेटअप है मगर उन्होंने बहुत ही अच्छा साफ़ सफाई का, पानी का वगैरह बहुत ही अच्छा ख्याल रखा है जी। हमारे घर के लाल मादी ब्रीड की पट्टा, इसके उड़ान तो हम बहुत, ये पुराना कबूतर है सर। देखिए ये निखिल भाई के सेटअप में सबसे पुराना कबूतर है, यानी इसकी एज वगैरह, इसके माँ बाप लाल लाल ब्रीड। अच्छा अच्छा अच्छा, 6 साल थे ये लाल ब्रीड का कबूतर है दोस्तों, नज़र आओगे उसके ब्लैक इसके ऊपर रेड रेड आए, तो ये 6 साल का कबूतर है तकरीबन। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दिखा आज निखिल भाई के सेटअप पे आके, यहाँ गांव का बहुत ही अच्छे से यानी गोट बकरी के आवाज़ आ रहे हैं और यहाँ बहुत आजू बाजू देखिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पूरा उनके सेटअप के आजू बाजू सिर्फ झाड़ी झाड़ नज़र आ रहे हैं दोस्तों, यानी चारों तरफ हरियाली है जो अपने बर्ड्स को बहुत ही ज़रूरी होता है। झाड़े हैं देखिए दोस्तों, बहुत ही चारों तरफ जहाँ देखिए आपको पेड़ पेड़ नज़र आ रहे हैं, नारियल का झाड़ वगैरह, यानी हर तरफ झाड़ी झाड़ नज़र आ रहे हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट भगवत भाई कौन सा है? सियालकोटी। ये देखिए दोस्तों, ये क्रॉस ब्रीड है, सियालकोटी और चूहे क्रॉस ब्रीड है सर। देखिए सियालकोटी और चूहे का ये क्रॉस ब्रीड है, ज़रा इसका आँख का व्यू कराइए भगवत भाई, थोड़ा सा नज़दीक आइए जी जी, मैं इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, इनकी आँख के वगैरह कितने हैं, बेहतरीन हैं और ये बहुत ही एडल्ट साइज़ में है, यानी फुल गली की है ये, इसके पर वगैरह कुछ नहीं कतरे हैं, सही है। तो तकरीबन आपके कितने पैर हैं निखिल भाई? 3 पैर जी, 3 जोड़े पट्टा पे करे उसकी बड़ा जोड़ा ये क्या जी जी, यानी साहब के पास थोड़े ही कबूतर हैं मगर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको बैठने का यानी उनको दाना पानी खाने ये जो उसके पट्टे जो बताया ना अब जी, चूहे में क्रॉस थे ना सर जी, क्रॉस ब्रीड बोले थे ना, हाँ तो उसमें ये उसके बच्चे हैं। देखिए दोस्तों, ये उसके पट्टे हैं, कम से कम 4-5 घंटे उड़ते सर, मिनिमम कम से कम 4-5 घंटे आराम से उड़ते, सही है सही है, बिना कुछ किए सही है। वो बहुत ही अच्छा दिखा आज निखिल भाई से मिलके। और निखिल भाई आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे कबूतर आप बताए हैं, और हो सका तो हम नेक्स्ट और एक बार विजिट करेंगे जब आपका सेटअप अच्छा तरीके से बन चुका होगा और आप कुछ ब्रीड लाने वाले हैं, बोलके सुना था मैं, और कौन कौन सी ब्रीड लाने वाले हो निखिल भाई आप? अभी मतलब ताम्रल बीड़ी ताम्रल बोल के बेंगलुरु की जी, हाँ वो भी छोटी चौंच में आता वो भी जी, अभी नेक्स्ट मंथ वो आएगा जी, अभी थोड़ा अभी टाइम देख देख के लेके आएगा अभी जी जी, अभी ये मौसम नहीं है ना, अभी मौसम गर्मी मौसम चल रहा ना जी, अभी थोड़ा अभी 1-2-3 महीने जाएगा ये, दुबका ले जाए के बाद लेके आना बोल के सोच रहे थे, दुबका लेके बाद लाने के लिए भी प्रॉब्लम होगा और बर्ड्स को भी प्रॉब्लम होगा, सही है कि यहाँ 2-3 महीने छोड़ के आप अच्छी तरीके से और बर्ड्स लाने वाले हैं। तो निखिल भाई हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहें, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, यानी क्या बेकरी डालने वाले हो आप ये गांव में? माशाल्लाह आपका गांव तो बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा है। हाँ डालना बोल के भैया जी जी जी, तो बेंगलुरु आप नहीं जाओगे? आप जाएगा भी जी, अभी हमारा ईद के वास्ते हम आए थे जी जी जी, हमारा अभी हाँ आज अम्बेडकर जयंती थी, हाँ अम्बेडकर जयंती थी, सही है दोस्तों, आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती रहने की वजह से हम लारे इधर को आए थे, इसीलिए वो हमें आज मिले और हमने उनका छोटा से सेटअप को विजिट करके आपके सामने वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों। जितना हो सके वीडियो को वायरल कीजिए, लाइक कीजिए, और नए हैं तो इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में कुछ कमी पेशी है तो आप कमेंट में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार लेंगे दोस्तों। निखिल भाई थोड़ा सा हिंदी बात करने में घबराएं आप, यानी उनको ज़रा हिंदी क्लियर नहीं आती बेंगलुरु में रहने की वजह से, तो दोस्तों प्लीज़ बुरा मत मानिए, कुछ कमेंट में गलत मत कहिए, बंदे का शौक देखिए, वो इतनी दूर जाके काम करके कुछ पैसे जमा करके वो यानी अपने गांव में अपने घर में आके वो बर्ड्स का शौक रहता है, ये
बर्ड्स लवर की निशानी है दोस्तों, यानी हर चीज़ में से वो कुछ ना कुछ बचा के करके अपना शौक़ को और अपने घर को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों